हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल हितेश गेमिंग के अंदर। तो दोस्तों, मैं आप सबको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि आपका पबजी मोबाइल 1.4.0 अपडेट के अंदर क्या चेंज होने वाला है, या कहें तो सीजन 16 के अंदर पबजी मोबाइल के अंदर क्या चेंज होने वाला है तथा क्या न्यू आने वाला है, सबका सब मैं आपको इसी एक वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना है। तो दोस्तों, अब चलते हैं वीडियो में। आपका पबजी मोबाइल 1.4.0 अपडेट में सबसे बड़ा चेंज होने वाला आपका M249 के साथ। अब आप M249 के साथ एक्सटेंडर मैग भी लगा सकते थे, एक्सटेंडर मैग के साथ आप कितनी एमओ लगा सकते हैं मैं आपको इसी एक वीडियो के अंदर डिटेल में बताने वाला हूँ। तो देखिए, आपका M249 के साथ देखिए, आपको इसके अंदर काफ़ी पबजी वालों ने इसको अपडेट कर दिया था, इसमें काफ़ी चेंज कर दिया गया। आपको इसके अंदर देख लीजिए, सबसे पहले तो आप इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, एक्सटेंडर मैग में मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, जो कि AR का एक्सटेंडर मैग है, वही आपका M249 के अंदर लगने वाला है। इसमें कोई अलग एक्सटेंडर मैग नहीं आने वाला है। तो देख लीजिए, मैं इसको रीलोड कर लेता हूँ। रीलोड के बाद इसमें कितनी एमओ आती है देखिए, रीलोड के अंदर इसमें 150 एमओ आने लगे उससे। तो अगर आपके अंदर इसके अंदर अगर आप एक्सटेंडर मैग नहीं लगाने वाले हो तो इसके अंदर सिर्फ आपके 75 एमओ आने वाले। सेकंड चेंज होने वाला है, मैं आपको इसी के अंदर बता दूं, जो आपका सेकंड चेंज होने वाला है वो आपको होने वाला किल, जैसे आप किसी को मारते हो तो इसके अंदर आपका किल नेम चेंज हो जाता है। तो देखिए, आपको यहाँ पर किल नेम के अंदर थोड़ा आपको चेंज देखने लग जाता है। इसमें देखिए, सबसे पहले तो आपका नाम आएगा जो कुछ चाइनीज़ में लिखा हुआ, मेरे को मालूम नहीं चल रहा है यहाँ पर क्या। उसके बाद जो आपको मार रहा है उसका देखिए, आपको किल नेम और रेड के नाम में लिखा हुआ आ रहा है। वो थर्ड आपका चेंज होने वाला है आपके हेलमेट के साथ। अब आपका थर्ड लेवल का हेलमेट ऐसे लगेगा जैसे आपने थर्ड लेवल हेलमेट पर स्किन लगा रखी है। तो देखिए, मैंने ये थर्ड लेवल का हेलमेट लगा रखा है, तो मेरे को ये काफ़ी अच्छा हेलमेट लगा। पहले हमारे हेलमेट के कुछ अलग कलर हुआ करता था, ये काफ़ी बड़ा था, लेकिन इसको अब पबजी वालों थोड़ा सा छोटा कर देता था, इसका डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा कर दिया। तो देखिए, मेरे को ये लुक काफ़ी अच्छा लगा। पहले हम बिन स्किन के हेलमेट लगाए रखते थे तो हमें थोड़ा सा अजीब सा फील होता था, लेकिन अब ये बिन स्किन के भी काफ़ी अच्छा हेलमेट लगता है मुझे। लेकिन आप ही अगर अब उससे पहले अगर स्किन लगा के हेलमेट रखते थे तो अब आप इसको बिन स्किन लगा के रखें तो आपको काफ़ी अच्छा हेलमेट लगेगा। आपका फोर्थ चेंज होने वाला है जॉर्ज पुल के अंदर। तो देखिए, जॉर्ज पुल के अंदर ये कुछ आइस की बिल्डिंग ऐड कर दी गई है और इसके जॉर्ज पुल का थोड़ा डिज़ाइन भी चेंज किया हुआ लगता है। तो देखिए, आपको इसमें जो कुछ आइस का यहाँ पर कुछ बिल्डिंग का नज़र आने वाले, मुझे नहीं मालूम भाई ये फिलहाल भाई ये किस लिए बिल्डिंग ऐड कर दी गई तथा ये इवेंट के अंदर भी आ रही है, बिन इवेंट के अंदर भी ये बिल्डिंग आ रही है। तो पहले मैंने इवेंट खेल के ट्राई किया तो इवेंट के अंदर भी जॉर्ज पुल के अंदर ये बिल्डिंग थी तथा बिन इवेंट के अंदर भी ये बिल्डिंग है। मैं जल्दी पूरा का पूरा जॉर्ज पुल के ऊपर एक फुल वीडियो लाने वाला हूँ, लेकिन फिलहाल तो अभी जॉर्ज पुल का पूरा ये आइस वाला स्ट्रक्चर है जो अभी फुल वर्क नहीं करा, इसके अंदर अभी काफ़ी ग्लिच है, मैं इसको पूरा देख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर मैं जैसे चलता हूँ तो इसके अंदर चले जाता हूँ ग्लिच के अंदर से। तो भाई इसको मैं भी इस वीडियो के अंदर तो पूरा भाई नहीं बता सकता। भाई फाइव नंबर चेंज है जो कि है भाई सेनो के अंदर एक न्यू इवेंट जिसके अंदर आपको कॉन्ग दिखाई देगा। कॉन्ग ये भाई काफ़ी अच्छा इवेंट है और इसका अगर आपको फुल वीडियो देखना डिटेल के अंदर तो भाई मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया, आप इससे पहले वाला वीडियो जाके देख सकते हो। इस चेंज के अंदर होने वाला क्या है, कॉन्ग आएगा जो कि गोडजिला है, जो कि आपको एक पूरे के पूरे सेनोक मैप के अंदर वॉकिंग करता दिखाई देगा तथा इसके अंदर ये काफ़ी अजीब सा लगता है ये चलते हुए तथा इसके पूरे मैप के अंदर यानी पूरे मैच के अंदर इसकी आपको आवाज़ें सुनाई देगी और आपको पूरे सेनों के अंदर अजीब से बहुत सारे आपको जोम्बी यानी दानव दिखाई देंगे और उसके अंदर मकड़ी तथा और बहुत सारे आपको दानव दिखाई देने वाले हैं। सिक्स चेंज है इरांगल के अंदर गोरजिला का आना। तो देखिए, गोरजिला की मैंने इस गोरजिला पर भी एक पूरा डिटेल वीडियो अपलोड कर दिया है। अभी फिलहाल तो मैं गोरजिला के पास नहीं गया हूँ क्योंकि जैसे हम गोरजिला के पास जाते हैं तो गोरजिला अटैक करता था हमें किल कर देता। तो देखिए, ये तो लॉबी के अंदर का वीडियो जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, काफ़ी अच्छा लग रहा है गोरजिला भी इरांगल के अंदर। तो आप अगर ये पूछना चाहोगे भाई दोनों में से बेस्ट कौन है, गोरजिला या कॉन्ग, भाई मेरे ख्याल से भाई दोनों ही एक दूसरे से अलग अलग भाई अपनी एबिलिटी लेके आते हैं, दोनों ही काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं मैच के अंदर। तो देखिए, अपनी पावर आसमान के अंदर छोड़ता है। अगर भाई आप ये सोच रहे हो कि इरांगल के अंदर केवल गोरजिला आने वाला है, ये इरांगल के अंदर भी भाई इरांगल पूरा का पूरा मैप चेंज होने वाला है, इसके अंदर भी काफ़ी सारे दानव आने वाले हैं। नेक्स्ट चेंज होने वाला है न्यू व्हीकल। ये व्हीकल आपको इरांगल मैच के अंदर देखने के लिए मिलने वाली है और ये आपको कहीं भी स्पॉन हुई मिल जाएगी। ये एक फोर व्हीलर कार होने वाली है तथा इसकी स्पीड काफ़ी अच्छी होने वाली है। इसकी स्पीड आपकी टू व्हीलर मोटरसाइकिल से भी आपकी स्पीड इसकी ज़्यादा होने वाली है। इसकी स्पीड
150 किलोमीटर होने वाली, यानी आपकी स्पीड 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा स्पीड से चला सकते हो। मैंने इसको 150 किलोमीटर पर स्पीड से आसानी से चलाया। अगर आपको अगर काफ़ी दूर तक ट्रेवल करना होता है तो आपको जल्दी में, अगर आप दो प्लेयर हो तो आप ये इस गाड़ी का यूज कर सकते हो, लेकिन आप अगर स्क्वाड में खेलते हो तो आपका पूरा स्क्वाड है तो आप इसका यूज मेरे ख्याल से नहीं करोगे तो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए अगर वो डैश या तथा आप UHZ के अंदर आने वाले तथा आप इसके अंदर होंगे तो आप इसको काफ़ी आसानी से आप इसको जल्दी से आगे चले जाओगे तथा आपके टीम मेंबर पीछे रह जाएंगे। ये डुओ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कार होने वाली है तथा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है जो अपनी ये न्यू कार आने वाली इरांगल के अंदर तथा लुइक के अंदर ये कुछ इन्वेंट्री के अंदर कुछ इस प्रकार से दिखने वाली है। तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी अच्छा अपडेट है तथा इसकी स्पीड भी काफ़ी अच्छी है। जैसे हम लोग मोटरसाइकिल से कहीं जल्दी में जाते हैं तो वहाँ से हम उससे बार बार गिरते रहते हैं तो उससे कभी गिर के हमारा किल भी हो जाता है। और अब आपका नेक्स्ट चेंज होने वाला है आपका अचीवमेंट के अंदर, तो देखिए मैं मिशन के अंदर जाके अचीवमेंट को जाके दिखा देता हूँ। देखिए आपका अचीवमेंट का पूरा कपड़ा UI चेंज होने वाला है तथा देखिए आपका कुछ इस प्रकार से नजर आने वाले। ये अचीवमेंट जो कंप्लीट नहीं है उनके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी अचीवमेंट कंप्लीट किया हुआ, क्योंकि इसके अंदर आपको आपका कौन सा लेवल अचीवमेंट के अंदर, तो देखिए ये जो आपका बिंदु नज़र आ रहा है इससे आपको ये दर्शाता है कि आप कौन से लेवल पर अचीवमेंट के अंदर। तो मेरे ख्याल से ये अपडेट भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि पबजी वालों ने अचीवमेंट को पिछले बार जो वाला अचीवमेंट का UI था वो मेरे को इतना पसंद नहीं आया था, काफ़ी लोगों को भी पसंद नहीं आया। जो ये अचीवमेंट वाला UI है मेरे को काफ़ी अच्छा पसंद आया, क्योंकि उसके अंदर लोगों को जो हम लोग खेलते हैं उनके उसके अंदर हमें मालूम नहीं चलता कि हमारा कौन सा अचीवमेंट कंप्लीट था कौन सा कंप्लीट नहीं। इसके अंदर हमें आसानी से मालूम चल जाएगा हमारा कौन सा अचीवमेंट कंप्लीट था, कौन सा अचीवमेंट जो हमें दिखाना है जो हम लगा सकते हैं 5 अचीवमेंट वो भी हम आसानी से यहाँ पर लगा पाएंगे। तो अपना नेक्स्ट चेंज होने वाला है एक न्यू वेयरहाउस TDM वेयरहाउस होने वाला है जिसका नाम होने वाला है हैंगर, और इसकी क्लिप मैंने उठाई है लकी मैन बाइक की। तो इस क्लिप के लिए मैं शाउट आउट देने वाला हूँ लकी मैन बाइक को। तो दोस्तों ये देख लीजिए काफ़ी अच्छा न्यू TDM होने वाला है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए अब तक हम जो कि पुराने वाले TDM खेलते हैं इसका देखिए पूरा का पूरा ग्राफिक है जो कि अपना COD मोबाइल की तरह होने वाला है। जो लोग CID मोबाइल खेलते हैं उनको तो मालूम होगा कि भाई न्यू COD का ग्राफिक कैसे हैं। तो भाई लोग ये देख लीजिए मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा ये TDM होने वाला है। तो देख लीजिए इसके साइड में जो अपना विकेंडी मैप भी नज़र आ रहा है, मेरे ख्याल से ये विकेंडी मैप जैसे लकी मैन भाई ने बताया ये हो सकता है 2.0 जैसे अपना नेक्स्ट अपडेट के अंदर विकेंडी आने वाला उसका हिंट हो। वो नेक्स्ट चेंज मेरे ख्याल से काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंज है। पहले हम किसी को एनिमी जेड करते थे या कुछ हम मार्क करते थे तो हमारा वहाँ पर केवल नाम जाने वाला था जो नाम जाता था। अब यहाँ पर हमारा साथ साथ प्लेयर का संख्या भी जाने वाले, जैसे 1, 2, 3 या कितने नंबर प्लेयर है उनका प्लेयर का संख्या भी साथ में जाने वाली है। मेरे ख्याल से ये PUBG मोबाइल ने काफ़ी अच्छा चेंज किया है, क्योंकि हम पहले कंफ्यूज हो जाते थे क्योंकि हम जल्दी जल्दी में देखते तो हम नाम पढ़ना छोड़ के हम सीधे देख लेते, अगर कोई जल्दी में नाम पढ़ लेते तो वो काफ़ी मुश्किल था। लेकिन अब ये काफ़ी आसानी से हो जाएगा, हमें केवल उसकी तरफ नज़र घुमानी है और वहाँ पर प्लेयर संख्या आ जाएगी, हम जल्दी से देख पाएंगे हमें किस प्लेयर ने मार किया था किस प्लेयर ने एनिमी से हेड किया, तो हम आसानी से चले जाएंगे। और ये नेक्स्ट एंड फाइनल चेंज है, ये मेरे ख्याल से काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंज है। पहले हमें कोई भी इन्वाइट कर लेते तो हम परेशान होते थे, जैसे हमें भी वीडियो बनाते हैं या कोई यूट्यूबर वीडियो बनाते हैं तो वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं, या आप भी लोबी के अंदर खड़े रहते हैं तो आपको काफ़ी लोग इन्वाइट करते रहते हैं। तो इसके अंदर काफ़ी चेंज होने वाले थे। यहाँ पर देखिए PUBG मोबाइल के अंदर 4 ऑप्शन दिए गए, सबसे पहला तो इसमें आइडली इसमें आप कोई भी इन्वाइट कर सकता है, दूसरा फ्री टू टीम अप, इसके अंदर आप किसी को मार्क कर दो कि ग्रीन टिक आ जाएगा भाई ये आपको इन्वाइट करने वाला है, तीसरा डू नॉट डिस्टर्ब, इसके अंदर क्या होगा आप ऑनलाइन तो दिखाई दोगे लेकिन उसको आपका जो प्लस वाला आइकन है वो आपको जो आपको वो इन्वाइट करना चाहता है उसको दिखाई नहीं देगा तथा आपको इन्वाइट नहीं कर पाएगा। और लास्ट ऑप्शन है स्टिल, इसके अंदर होगा क्या, इसके अंदर जैसे ही आप लास्ट वाला ऑप्शन इनेबल कर दोगे तो इसके अंदर होगा क्या आपको कोई भी आप ऑनलाइन तो हो लेकिन आप किसी को ऑनलाइन दिखाई नहीं दोगे तथा आप लॉबी के अंदर जो आपको काम करना है तथा आपको जो करना है आप आसानी से कर पाओगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही, फिर मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में।